हम छोटी कुछ बातें आपको बताई और क्या खाना चाहिए, खाना किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना, विरुद्ध आहार जो है ना ये बहुत महत्व का है। दूध और दही साथ में नहीं खाना, बहुत जरूरी है। घी और शहद साथ में नहीं खाना, नहीं तो तकलीफ आए। कभी भी उड़द की दाल और दही साथ में नहीं खाना, एक दूसरे के विपरीत। जो उड़द की दाल और दही खाए तो तैयार रहिए, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट अटैक भी आएगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद मेरे ऊपर किया। उड़द की दाल में वो बड़े बना दें, दही बड़े, ये सबसे खतरनाक। दही बड़े बनाने हो तो मूंग की दाल में बनाइए, उड़द की दाल में नहीं। उड़द की दाल दही कभी भी साथ में नहीं, आयुर्वेद ने इसको बहुत निषिद्ध बोला। मूंग की दाल दही खा सकते हैं, अरहर की दाल दही खा सकते हैं, मसूर की दाल दही भी चलता है, उड़द की दाल के साथ दही बिल्कुल नहीं चलता। और ये बात मैंने एक ऐसे वैद्य के मुंह से सुनी जो लगभग 60 साल से आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, जयपुर में रहते हैं। तो मैंने विश्वास नहीं किया, तो फिर उन्होंने पढ़ा लिया मुझे शास्त्र में, तो फिर भी मुझे कम विश्वास हुआ। उन्होंने कहा चलो अभी तुम्हारे ऊपर परीक्षण करता। तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, नोट कर लिया, फिर उन्होंने मुझे बड़े खिला दिए, उड़द की दाल और दही के बड़े खिलाए। खाते ही फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, तब मुझे भरोसा हो गया। और उस दिन से मैंने सबको बोलना शुरू किया, और जो ये रोज खा रहे थे उन्होंने बंद किया तो वो खुद महसूस करते कि पहले से भी अच्छा लगता। तो उड़द की दाल दही मत खाइए, शहद और मैंने घी साथ में मत खाइए, दूध और दही कभी साथ में मत खाइए, खीर बनाई है तो मट्ठा मत पीजिए, मट्ठा पिया तो खीर मत खाइए, दही खाया है तो कभी खीर मत खाइए, खीर खाइए तो ये तो सब आप समझते हैं। तो विरुद्ध आहार कभी भी साथ में मत करिए। इसी विरुद्ध आहार की आगे की एक श्रेणी है, माताओं बहनों को विशेष रूप से कह रहा हूँ, मिक्स वेजिटेबल कभी मत खाइए। एक बार में एक ही सब्जी खाइए, एक बार में एक ही सब्जी खाइए। लौकी की सब्जी है तो लौकी की ही खाइए, उसमें आलू भी मिलाइए। ये हर चीज में आलू मिलाना ये यूरोप आलू की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास आलू के अलावा कुछ नहीं है। हर चीज में आलू आलू आलू, आप मत करिए ये धंधा। बिना आलू के सब्जियां बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और मिक्स मत करिए सब्जियों को कभी भी, आलू और टमाटर जैसे बना दिया, या पत्ता गोभी में हमने गाजर मिला दिया, या फूल गोभी में गाजर मिला दिया, या मटर फूल गोभी और गाजर एक साथ बना दिया, ये अलग अलग करो। एक सब्जी एक ही खाइए एक बार में। और नियम इसका इतना माइक्रो लेवल का है कि आपने भोजन करना शुरू किया, आपके पास तीन सब्जियां हैं, तीनों सेपरेट है, मान लो एक लौकी की सब्जी है, एक कद्दू की सब्जी है, एक टमाटर की, तीनों अलग अलग है, तो पहले एक सब्जी खत्म करिए पूरी, फिर दूसरी कटोरी की सब्जी खत्म करिए पूरी, फिर तीसरी। ये नहीं एक जैसा एक सब्जी से खाया, दूसरा दूसरी से खा लिया, तीसरा तीसरी से। ये जो गाड़ी है ना गियर वाली नहीं है, ये परीक्षा नहीं है, इसमें चल रही है। एक बार जो चल पड़ी वैसे ही चलती है, तो एक बार पूरी सब्जी खत्म करिए, फिर दूसरी खाइए, फिर तीसरी खाइए। और सलाद का भी ये नियम है कि मिक्स सलाद मत खाइए। आपको खाना है तो खीरा खाइए, भरपेट खाइए, ककड़ी खाइए, भरपेट खाइए, गाजर खानी है भरपेट खाइए, जो खाना है भरपेट खा लेंगे आप, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये मिला मिला के ये ठीक है, नहीं तो शरीर को बहुत तकलीफ है। तो क्या खाना है ये ध्यान रखना है, किसके साथ क्या खाना है ये भी बहुत महत्व का है, इसे भी ध्यान रखना है। कैसे खाना है थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बता दी, और अंत में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि आपके रसोई में जो कुछ है, मैं ध्यान देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि सब मेडिसिन आपके पास है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो औषधि नहीं है। हम उसका उपयोग करें औषधीय रूप में, तो आप बोलेंगे जी क्या क्या है। एक बार मैंने रसोई घर की सूची बनाई, तो मैंने देखा कि उसमें 108 दवाएं, गरीब से गरीब घर के रसोई में भी 108 दवाएं। आपको उनका महत्व मालूम हो तो कि किसमें क्या है। अब वैसे हम लोग रसोई में मसाले इस्तेमाल करते ही हैं, वो वास्तव में सभी औषधियां हैं, उनके दूसरे स्वरूप भी हैं उपयोग करने के, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी रसोई में एक बहुत अच्छी सुंदर दवा है, उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत। आपके शरीर में वात पित्त और कफ तीन असंतुलन है आयुर्वेद के हिसाब से, तो वात और कफ ये जो दो असंतुलन है सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत मेथी के दाने। वात और कफ, वात के जितने असंतुलन है
जैसे घुटने दर्द कर रहे हैं, पेट दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, कंधे दर्द कर रहे हैं, सभी ज्वाइंट्स में आपको पेन हो रहा है, सर्दी वाक हो गया है, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सब रोग मेथी लाने से ठीक होते हैं। मेथी लाने का अच्छा उपयोग करें। अगर आपको वात की तकलीफ है तो मेथी लाना जरूर लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, है तो जरूर लीजिए। वात की कोई भी तकलीफ है, मेथी दाना लेने के कई तरीके हैं। मेथी दाने का पाउडर बना के फंकी रूप में ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है उसको पानी में डाल दीजिए, दाने को रात भर रखा रहने दीजिए, सभी लोग के पानी को पी लीजिए, पीछे से दाना चबा के खा लीजिए। फिर आप देखिए तीन दो से ढाई महीने के अंदर आपकी बात की सब तकलीफें आपको लगेगा कि खत्म हो गया। और बात के साथ कब के जितने भी रोग हैं उसमें भी ये बहुत अद्भुत काम करता है मेथी का दाना। कफ के रोग क्या है, आपको बहुत मोटापा हो गया, जरूरत से ज्यादा आपका वजन बढ़ गया, ये कफ की तकलीफ है, मेथी दाने से बिल्कुल ठीक होती है। वजन अगर बढ़ा हुआ है तो तीन साढ़े तीन महीने मेथी दाना खा लीजिए, एक चम्मच दाना एक गिलास पानी में रात को डालिए, दाना चबा के खाइए, पीछे से पानी पी लीजिए, तीन सवा तीन महीने में देखेंगे आपका वजन कम होना, और तीन सवा तीन महीने में नॉर्मल कर देता सामान्य रूप से जितना होना चाहिए वहां आ जाए बिना किसी और दूसरी तकलीफ। सबके और बात के और भी कई रोग है, उनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, डॉक्टर बोलता कभी भी हर जगह आ सकता है, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, आपकी ताकत नहीं है, पैसे नहीं ऑपरेशन कराने के, तो सीधे आप मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए। तीन साढ़े तीन महीने में आपका बीएलडीएल एलडीएल दोनों ठीक करेगा, एचडीएल को बढ़ा देगा। रक्त के जितने भी दूषण हैं, खून की खराबी के जितने भी रोग हैं, सब मेथी दाने में कवर होते हैं, तो बहुत अच्छी दवा है, उसको घर में रखिए। दूसरी ऐसी ही एक दवा है, पित्त के बहुत रोग बढ़े हुए हैं आपके तो, बात और कफ का तो मैंने बता दिया, पित्त पे आ गए। मैं आपको एक बात ध्यान से बताना चाहता हूँ, आप जरूर सुन लीजिएगा, जिनको पित्त की तकलीफ बहुत ज्यादा है वो मेथी दाना ना खाए, नहीं तो बढ़ सकता है। पित्त की तकलीफ जिनको है वो मेथी दाना ना खाए, तो फिर आप बोलेंगे पित्त वालों को क्या, पित्त वालों को मेथी दाने के ही इक्विवेलेंट एक औषधि है त्रिफला चूर्ण, बहुत अच्छा है, अद्भुत है, करके देखिए कभी, त्रिफला चूर्ण का कर्म होता है, लगातार थोड़े दिन त्रिफला चूर्ण खाइए, अद्भुत परिणाम आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि आप 10 साल कम उम्र के ला गए, मैंने उम्र आपको ऐसा लगेगा कि कम हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, 70 साल के आप बूढ़े हैं, आपको लगेगा कि अब तो मैं 60 साल का हूं, 60 साल वाले को लगेगा मैं 50 साल। और आजकल एक शब्द चल गया ना, एंटी ऑक्सीडेंट, त्रिफला चूर्ण से बड़ा कोई एंटी ऑक्सीडेंट नहीं बनेगा, कोई नहीं है इससे बड़ा, तो आप ये खाइए। त्रिफला चूर्ण के खाने का नियम ये है कि आप इसको अगर गुड़ के साथ मिला के खाएंगे तो अच्छा रहेगा, अकेला खाएंगे तो शरीर में आदत पड़ जाती है, फिर तो बिना त्रिफला चूर्ण खाए अच्छा ही लगता, तो वो आदत में डालेगा, क्योंकि ये मेडिसिन है भोजन नहीं, ध्यान इस बात का रखना, आदत नहीं पड़नी चाहिए त्रिफला चूर्ण, जैसे बीड़ी पियो सिगरेट पियो तो आदत पड़ जाती है, ऐसी त्रिफला चूर्ण की आदत पड़ने की बहुत संभावना रहती है, तो इसकी आदत ना पड़े इसके लिए सावधानी रखिए कि थोड़ा गुड़ मिला के खाइए, शहद मिला के थोड़ा सा खाए, अगर शहद है आपके पास प्योर तो त्रिफला चूर्ण में शहद मिलाइए, शहद नहीं है तो गुड़ मिलाइए, गुड़ मिला के खाइए, बहुत अद्भुत है। मैंने अभी एक ऐसे पेशेंट को ठीक किया है, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट भी हुए परमानंद जी को, उस विषय पर व्याख्यान था, तो व्याख्यान खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे धीमे से पूछा, राजीव भाई मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है। मैंने पूछा क्या, तो अंदर से शर्ट उतारा पैंट उतारा तो मैंने देखा जगह जगह घाव थे, खून टपकता था उसमें से, सबसे है उनका बहुत समय हो गया, बहुत इलाज किया, ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मैंने उनका ये ठीक तो हो जाए, तो उनको लगा कि मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ या ऐसे ही उल्लू बना रहा हूँ, तो उनका देखिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ, आप अगर बता दो ये नहीं होने वाला तो भी मुझे कोई गम नहीं, उनका मैं आपसे गंभीरता से कह रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, क्या करूं, मैंने कहा आप सिर्फ त्रिफला चूर्ण खाओ और कुछ नहीं खाओ, शहद में मिलाते खाओ,
तो दो चम्मच त्रिफला चूर्ण उन्होंने शुरू किया, एक चम्मच शहद, दो चम्मच त्रिफला चूर्ण सवेरे सवेरे चाटते थे। आज उनको करीब 6.5-7 महीना हुआ है, उस सब घाव उनके भर गए, रेडिएशन से हुए घाव भर गए, त्रिफला चूर्ण की ये ताकत है। अब मैंने त्रिफला चूर्ण पर ये जो काम हुआ ना, इसको भेजा है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है लैंसेट, उसमें भेजा है छपने के लिए कि त्रिफला चूर्ण की ये ताकत है। तो उनका चिट्ठी आ गया कि हम आपका ये लेख छापने वाले हैं, थोड़े दिन में छपेगा, लंदन से निकलते रहने से। और डॉक्टर जितने हैं दुनिया के चिकित्सा वर्ल्ड की जगत की ये सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें त्रिफला चूर्ण पर छपेगा कि ये असर है। रेडिएशन का कोई भी मरीज किसी भी दवा से ठीक होता नहीं है, वो त्रिफला चूर्ण ने ठीक किया, ऐसी ताकत है त्रिफला चूर्ण। तो आप रखिए अपने घर में इसका उपयोग करें। ऐसे जी तो खाने वक्त पानी पीना चाहिए या गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। आपके मुंह का जितना टेम्परेचर है उतना गर्म पानी, ठंडा भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं। मुंह का टेम्परेचर आप देखोगे तो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, उतना ही गर्म पानी पीजिए, और पानी इतना पीजिए कि वो गले के नीचे उतर जाए, ज्यादा नहीं। नहीं जी, सवेरे खाएंगे आप तो इसका असर बहुत बढ़िया है। रात को अगर आप त्रिफला खाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में खाया हुआ त्रिफला एक ही परिणाम देता है, पेट साफ करता है। क्या वो मिलाएंगे ना मेरी गारंटी पर? हाँ, शुगर वाले को गुड़ मिला के खाइए, शक्कर नहीं, वो थोड़ा सा 2 चम्मच त्रिफला को है ना, 1/2 चम्मच गुड़ मिला लीजिए, मामूली मीठा रहे, जरूर खाइए, सुबह खाइए माता जी, रात को खाएंगे तो सिर्फ पेट साफ करेगा, सुबह खाएंगे तो इसकी औषधीय गुण बहुत ज्यादा है, सुबह खाएंगे। मेरा प्रश्न है कि ये जो प्रकृति है नम पित्त और अली, इसके कोई सिंपल सिम्टम क्या है? बहुत अच्छा, देखिए बाबू जी का एक प्रश्न है वो सबका होना चाहिए, इनका प्रश्न है कि हम अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने, हमारी वात प्रकृति है, हमारी कफ प्रकृति है, हमारी पित्त प्रकृति है, हम इसको कैसे पहचाने? तो इसके लिए सरल सरल सूत्र सिम्टम्स वाले लिख दिए हैं, उसकी एक किताब छपा दिया है, वो किताब यहाँ है, आप ले जाइए, उसको आराम से कभी भी बैठ के ध्यान से पढ़िए और दूसरों को भी पढ़िए। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, रसोई में एक अद्भुत चीज है आपके पास, ये किताब का नाम है स्वावलंबी चिकित्सा, उसमें कार्य सिम्टम्स है, और एक है अहिंसक चिकित्सा, उसमें भी है। ये तीसरी एक ऐसी औषधि आपके घर में है जिसको आप जरूर इस्तेमाल करिए, मैंने उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। चूना 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 वो पान में लगा के खाते हैं चूना, कई कई रोग में मैंने इसके परिणाम देखे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, परामर्श लेने के लिए, मैं निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ, निःशुल्क परामर्श देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको व्यवसाय नहीं बनाया, मेरे स्वयं से सुखाए करता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, बच्चे हैं लंबाई नहीं बढ़ती, हम बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, ताकत नहीं आती, वजन नहीं बढ़ता, इनकी बुद्धि कम है, स्मरण शक्ति कम है, जल्दी भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं सब माताओं को एक ही बात बोलता हूँ, इन बच्चों को चूना खिलाओ, चूना कैसे खिलाए? दही में मिला के खिला दो, मट्ठे में मिला के खिला दो, कितना? एक गिलास अगर मट्ठा है तो 1 ग्राम चूना, बहुत मामूली सा, 1 ग्राम इसमें नहीं होता है। तो 1 गिलास दही का मट्ठा, 1 ग्राम चूना, दही 100 ग्राम ले लो, 1 ग्राम चूना, और सबसे अच्छा है गन्ने का रस, गन्ने के रस में मिला के पिला दो चूना, गन्ने का रस थोड़े दिन मिलेगा 3-4 महीने, तो संतरे के रस में पिलाओ, मौसमी के रस में पिलाओ, अनन्नास के रस में पिलाओ, चूना खिलाओ छोटे बच्चे रोज सुबह सुबह खाली से 12 महीने में चूना हमेशा मिलता है, चूना हमेशा मिलता है। हाँ बता दो, अभी इनका प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। चूने को हम 2 तरीके से खा सकते हैं, आप चूना ले आओ बाजार से जो पान की दुकान में मिलता है, इसको मिट्टी के घड़े में डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो, थोड़ी देर में क्या होगा कि ये चूना नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये जो ऊपर का पानी है ये चूने से भी ज्यादा कीमती है, पानी चूने का पानी, इसका असर चूने से भी ज्यादा आता है। तो अगर आप ये पानी पिलाते हैं तो ये सबसे अच्छा है, नहीं तो चूना चला दो। इतना डालना चाहिए? हाँ, अगर आप चूना लाए हैं
तो इतना अनुपात एक और दस का रखिए, 100 ग्राम अगर चूना है तो एक लीटर पानी डाल के छोड़ दीजिए। 100 ग्राम का एक लीटर छोड़ सकते, बहुत मैक्सिमम 200 ग्राम तो पानी डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे आप, एक दिन बाद डेढ़ दिन बाद ये पानी अपने आप कम हो गया। तो जब पानी कम हो गया तो ऊपर थोड़ा सा पानी रह जाता है, वो ले लेना 1 चम्मच, और वो 1 चम्मच मिला देना 100 ग्राम दही में, या 1 गिलास मट्टी में, या 1 गिलास रस में, गन्ने का रस, संतरे का रस, ये पीने का। और इससे आप देखेंगे कि बच्चों को भूख खुलने लगेगी, लंबाई बढ़ने लगेगी, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। जो आपको लगता है कि मस्तिष्क की शक्ति उनकी कम है, ब्रेन मन मही मन होता है, वो ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत अद्भुत परिणाम। मैंने अभी एक बच्चे पर इसका परिणाम देखा है, सेरिब्रल पॉल्सी डिसीज है, जिसके बारे में एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होती। मेरे पास एक बच्चा है 8 साल का, जिसको सेरिब्रल पॉल्सी है, मैसूर का है। मैं उसको लगभग 9 महीने से चूने का पानी पिलवा रहा हूँ, उसका कम से कम 60% इम्प्रूवमेंट उसमें है। तो जो डॉक्टर बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है, वो खुद अभी चमत्कार मानते हैं इसको, तो वो चमत्कार मेरा नहीं है, चूने का। अभी एक और दूसरा उपयोग इसका है, अगर किसी को पीलिया हो गया आपके घर में, जॉन्डिस हो गया, तो चूने का पानी पिलाइए उसको, वो एक ही कंडीशन में, या तो मट्टी में, नहीं तो गन्ने के रस। हाँ उतना है, 1 चम्मच या तो, या तो 1 ग्राम चूना, 1 गिलास रस गन्ने का, नहीं तो मट्ठा, मट्टी में से क्रीम निकाला हुआ हो, मक्खन निकाला हो, नहीं तो लीवर में तकलीफ आएगी। तो ये आप अगर देखो, 8-10 दिन में मैंने इसके रिजल्ट देखे, बहुत अच्छे हुए। इसी तरह से बहुत सारी माताएं हैं जिनकी उम्र 45-50 वर्ष के आसपास है, और उनको मेनोपॉज पीरियड शुरू हुआ, उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, उसकी सबसे अच्छी दवा यही है चूना, सबसे अच्छी दवा है। मैंने अभी इस चूने के रिजल्ट देखे हैं, शरीर में कई बार गांठ हो जाती है, ट्यूमर, और सभी ट्यूमर जो है ना कैंसर नहीं होते, मैलिग्नेंसी में नहीं है, बिना ही है। तो बिनाइन ट्यूमर कोई भी है तो चूने से गल जाता है। माताओं को जो ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है ना छाती में, वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है इसी चूने से। इस चूने से और क्या क्या ठीक हो जाएगा, आपके पैर की एरिया फटती है, आप चूना ले लो, एरिया ठीक कर देगा। त्वचा एकदम सूखी सूखी रहती है, चूना ले लो। मैंने अभी कुछ मरीज ऐसे देखे जिनको भयंकर एनीमिया था, हीमोग्लोबिन का रक्त नहीं बनता, ठीक से नहीं बनता, उनको चूना दे दो, अद्भुत काम करता है। हड्डी टूट गई है और आपने प्लास्टर चढ़ा लिया है, तो हड्डी को वापस जोड़ने की ताकत उसी चूने में है, चूना दे दो। तो ये एक छोटा सा चूना 23 तरह की बीमारियों में काम आता है। तो मैं लोगों से कहता हूँ, तंबाकू नहीं चूना खाओ, सादे पानी में रख लो, पान के साथ चूना खाओ, कट्ठा मत लगाओ, पान के साथ चूना खाओ या खाली चूना खाओ, तंबाकू मत खाओ। कच्चा भी दवा है, कच्चा दवा है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये जो जनरल है ना, जनरल पब्लिक के लिए चूना तो है, पान तो है, कच्चा नहीं है, कच्चा स्पेसिफिक।